मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे में फिर बदल सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारा में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज भी की जा सकती है। 7 फरवरी से फिर मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकलेगी। 15 फरवरी के बाद सर्दी के आसार काफी कम हो जाएंगे। कानपुर की बात करें तो कानपुर में कुछ दिनों पहले सर्दी और सूरज के बीच एक दूसरे को पछाड़ने की जोर आजमाइश चल रही थी। कुछ दिनों बाद जब दोनों सुस्त पड़ गए तो बादलों को मौका मिल गया और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए आसमान पर आ डटे। पश्चिमी विक्षोभ के साथ आए बादलों ने रविवार और सोमवार को मौसम विभाग के सभी अनुमान ध्वस्त कर दिए। रविवार रात भर शहर में झमाझम बारिश होती रही। इससे शहर में 26.4 मिलीमीटर पानी बरस गया, जो फरवरी माह में होने वाले औसत वर्षा 14.3 मिलीमीटर से 12.1 मिलीमीटर ज्यादा है। आगरा में मौसम विभाग का मंगलवार को हल्का कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान था। हालांकि सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्का कोहरा दिखाई दिया, लेकिन शहर में मौसम साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उनके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में चक्रवात के सक्रिय होने पर शहर के मौसम में शुक्रवार से बदलाव देखने को मिला था। बादल घिर आए थे, रुक रुक कर बूंदाबांदी और बारिश होती रही। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। मेरठ जनपद में आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कोहरे पड़ने की आशंका जताई है। बुधवार को भी तेज सतही हवाएं चलेंगी, जो पहाड़ों की ठंडक लेकर मैदानों में आएंगी। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई है। अब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है तो तापमान में खासी गिरावट आएगी। ऐसे में बुधवार के बाद मेरठ में ठिठुरन बढ़ सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 21.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।